जनाब मोहतरम श्री राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा सब खड़े होके खारगे जी वेणुगोपाल जी सोलांकी जी तारिक कर्रा जी गुलाम अहमद मीर जी विकार रसूल जी रमन भल्ला जी ताराचंद जी रंधावा जी कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीन कर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा।
कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है, कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है, कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती है। तो कल रात मैं खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहां पे उन्होंने पूरी मतलब वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है, वो उनको वो केरला गए थे, उनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहां पे हम बैठे थे, वहां पे बातचीत चल रही थी, तो वहां पे जो आइसक्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। दो तीन और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है, और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पर उठाया है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है, और ये आपने टीवी पे देखा होगा, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं,
नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मजदूरों के खिलाफ चार कानून, हर एक कानून को जो लोगों को जिसका फायदा नहीं होता, उन कानून को उन्होंने पास कर लिया, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी को नहीं भेजा, किसको भी नहीं, वो तो उन्होंने काम किया। और यहाँ तक जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, उस वो लोगों की होती है, और लोगों के आवाज को हम बराबर साथ देंगे और लोगों के साथ रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं जो है, उसके साथ हम कंधे को कंधा लगाकर लड़ेंगे, ये हमारा वायदा है। इसीलिए ये बात बताने के लिए हम आपके पास आए हैं, और खासकर जो भी यहाँ पर के जन जंगल जमीन की बात है, वो सब के लिए हम लड़ना चाहते हैं, और वो लोग सभी चीज़ें आपसे छीनना चाहते हैं, अब हम छीनने नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, लाखों वैकेंसीज यहाँ स्टेट में खाली है, वो वैकेंसीज नहीं भर रहे, जो भरे हुए वैकेंसीज है उनको टेम्पररी कर रहे हैं, डेली बेसिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऐसी सियासत यहाँ चल रही है, ऐसा पॉलिटिक्स मोदी जी ने यहाँ पर शुरू किया, लोग देखते हैं और सहन करते हैं। एक बार दो बार अगर ज्यादा किसी चीज की ज्यादती हुई तो लोग उठ खड़े होते हैं। तो मैं इतना ही करूँगा कि आज जो हम लोग हर जगह जो जा रहे हैं, अब इस इलेक्शन में भी हम पहले जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में, हर जगह राहुल गांधी जी पहले जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, और पार्टी के विचार को करेंगे। और मैं इसके लिए मैं राहुल जी से भी विनती करूंगा, वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे, और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर शांति, समृद्धि, सुख, ये सारी चीज़ें फिर से बहाल हो जाएं जम्मू कश्मीर में,
और आज जो बॉर्डर पे फिर घुसपैठी चल रही है, टेररिज्म चल रहा है, और वो कहते थे पहले कि अगर 370 खत्म हुआ तो टेररिज्म जाएगा, वो जाएगा जाएगा, खुशहाली आएगी। कहाँ खुशहाली है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ प्राइस राइज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और इनके अत्याचार भी देश में बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ठीक ढंग से यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेंगे, और हम आपके साथ है ये कहने के लिए हम आए। अब राहुल गांधी जी आपसे बात करें। थैंक यू खारगे जी। आई'd लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर टुडे। इट इज आवर प्रायोरिटी इन द कांग्रेस पार्टी एंड ऑल्सो इन द इंडिया गठबंधन टू रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर एज सून एज पॉसिबल। वी हैड एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड बी डन प्रायर टू द इलेक्शंस, बट ओके, इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड। इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड एंड वी आर होपिंग दैट स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड एज सून एज पॉसिबल एंड द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, democratic rights will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand going through a very, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. Jaise maine Bharat Jodo Yatra mein kaha tha, nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan hum kholna chahte hain, izzat se, respect se, bhaichare ke saath. Thank you very much. We are taking questions. We are just making two statements here. Thank you. But they are bad. Thank you. चुनाव के कारण, सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, मगर क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब हिंदुस्तान में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदल दिया, मगर कभी भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। मतलब
हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन का बढ़ावा ही हुआ है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। झारखंड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तेलंगाना के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मगर एक ही उदाहरण है जहां लोगों से रिप्रेजेंटेशन छीना गया, वो है जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है और इसका नतीजा आपने देखा है। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, मगर सचमुच में उनको महाराजा कहना चाहिए, एम्परर कहना चाहिए, किंग कहना चाहिए। और पूरा का पूरा जो फायदा हो रहा है वो जम्मू के लोगों का नहीं हो रहा है, कश्मीर के लोगों का नहीं हो रहा है, बाहर के लोगों का हो रहा है। चाहे छोटे, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हों, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, सरकार में पोजीशंस हों, आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप लोगों को सिर्फ नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। अब ठीक है, इन्होंने चुनाव पहले कर दिया, मगर हम अभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके स्टेट की लगाम आपके हाथ में वापस दी जाए। मतलब आपको स्टेटहुड एक बार फिर से मिले। आपके बीच में, मेरे बीच में आप रिश्ता जानते हो, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, जैसे मैंने कहा मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। मेरा परिवार आपके स्टेट से ही आता है, तो आपको ये सोच के चलना है कि दिल्ली में आपका सिपाही मैं हूं, जो भी आप चाहेंगे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है और मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, शायद रमन भल्ला जी ने कहा, ठहर जाइए मैडम, खत्म करने दीजिए, अभी नहीं मैडम, बाद में कर लेना, डिस्टर्ब मत कीजिए। रमन भल्ला जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। रमन भल्ला जी, आप सिपाही नहीं हैं, आप कांग्रेस पार्टी के जनरल हैं, और आप जैसे अलग अलग जनरल खड़े हुए हैं यहां पे, सिपाही तो ये हैं कार्यकर्ता। और मैं चाहता हूं कि जनरल की भी रिस्पेक्ट हो और सिपाही की भी रिस्पेक्ट हो। गठबंधन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया।
मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए। आप नहीं गए, आप खड़े रहे, आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप एक इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ठीक है, चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को टिकट बांटे जाते हैं, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी एमएलए बनने का मौका मिले। तो कर्रा साहब, वेणुगोपाल जी, मीर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उदाहरण देखना चाहता हूं जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को एमएलए का टिकट दिया गया और वो विधानसभा तक पहुंचा। पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है, आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है। जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे। और जो बिल, गलत बिल ये पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आप सबका अच्छा देखिए, एक और लड़ाई है। जम्मू का कल्चर है, जम्मू की हिस्ट्री है। यहां माता वैष्णो देवी की ये जमीन है। आपका जीने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो अलग है। जम्मू का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। हम चाहते हैं कि हर जगह का कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी भाषा, इन चीजों की रक्षा हो। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी सरकार में हो। और जो आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हो। अब बीजेपी की दूसरी सोच है, वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले, चाहे जम्मू कश्मीर हो,
चाहे महाराष्ट्र हो। भैया ये जो आप शिकायत दे रहे हो ना कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं, आप महाराष्ट्र जाइए वहां पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे कि भैया महाराष्ट्र में भी बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, ये इनकी सोच है, सेंट्रलाइज करने की सोच है। हमारी सोच डिसेंट्रलाइज करने की है। हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मनरेगा हो, पंचायतों में आपके डिसीजन लिए जाएं, विधानसभा में आपके डिसीजन लिए जाएं, लोकसभा में आपकी आवाज पहुंचे। कभी कभी हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं खुल के बोल रहा हूं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कोई हमारा आदमी कहता है नहीं भाई मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा, और पार्टी में टेंशन होती है, हम कहते हैं नहीं तुम बोलो, तुम्हें करना है, तुम खुल के बोलो, तुम्हें अपना मुद्दा उठाना है, हम मैनेज करेंगे। तो हम किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं करते, और मीडिया में हमारा नुकसान भी होता है। कभी कभी लोग कहते हैं देखिए कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, क्योंकि हम पूरे देश को चलाते हैं और हम चाहते हैं कि देश के लोगों की आवाज, अलग अलग आवाज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जात, ये सब सुनाई दे। तो मैं ये आपके आपसे कहना चाहता हूं, हम स्टेटहुड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो उसी प्रकार से आप चलाओ। इसलिए हम ये मैसेज देने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शायद आप भी नहीं समझ सकते कि आपने किया क्या। मैं यहां से देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, डेमोक्रेसी को बचाया है। अभी एक दो और कदम लेने हैं, वो आप ले लोगे, मगर आपने इस चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन को और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, इसके लिए मैं आप सबको दिल से बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। इससे पहले कि हम प्रोग्राम आगे बढ़े